चलिए एंग्लो सिख वार को भी देख लेते हैं। जो पहला जो एंग्लो सिख वार हुआ था वो 1846 से 45 to 46 हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर हम महाराणा रणजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महाराणा रणजीत सिंह का शासन देखा जाए तो 1799 से 1839 तक चलता है। ये पंजाब के अंतिम महान शासक थे और 1839 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे खड़क सिंह और फिर शेर सिंह पंजाब के राजा बने। लेकिन और भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो 1740 में हुआ था और वो सुकर चकिया मिस्ल के थे। किस मिस्ल के थे आपको याद रखना है कि वो सुकर चकिया मिस्ल के थे। और उन्होंने सिखों की 12 मिसलों को यूनाइटेड किया था और तभी वो 1801 में पंजाब के महाराजा बनते हैं। ठीक है, आपको याद रखना उनकी नस्ल के बारे में, सुकर चकिया मिस्ल के थे वो। और उन्होंने कई सारे अफगान आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और लाहौर, पेशावर, मुल्तान ये सब उनके अंडर में थे। इस वजह से उन्हें शेर ए पंजाब या लायन ऑफ पंजाब की भी उपाधि दी गई थी और टाइटल था वो उनको पास था। ये इनके जो सिख साम्राज्य में अगर देखा जाए साम्राज्य, तो सतलज रिवर से लेके साउथ ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय तक का एरिया शामिल था, जिसमें कुछ बड़े बड़े रीजन जैसे लाहौर, मुल्तान, श्रीनगर जो कश्मीर वाला हिस्सा था ना, और अटक, पेशावर, रावलपिंडी, जम्मू, सियालकोट, अमृतसर और कांगड़ा जैसे क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र शामिल थे। उनके जो फ्रेंडली रिलेशन भी थे ब्रिटिश के साथ, एंड ही मेंटेन एन आर्मी और वेरी इफिशियंट इन वारफेयर, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में के हिसाब से उन्होंने अपनी आर्मी को भी बड़ा मेंटेन किया था। 1839 में उनकी डेथ के बाद उनके साम्राज्य के लिए काफ़ी संघर्ष शुरू हो गया और यहीं से उनके साम्राज्य का पतन शुरू होता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे थे खड़क सिंह और शेर सिंह। तो आपको याद रखना है, खड़क सिंह को याद रखना है और शेर सिंह को याद रखना है। ठीक है, तो पहले खड़क सिंह आए फिर शेर सिंह आए, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर शेर सिंह की हत्या के बाद रणजीत सिंह का एक नाबालिग बेटा था महाराजा दिलीप सिंह, वो गद्दी पर बैठा। तो फिर जो तीसरा क्रम है वो आपको याद रखना है दिलीप सिंह को। ठीक है, दिलीप सिंह बैठते हैं और उनकी माँ रानी जिंद उर्फ जिंदान उनकी संरक्षक बनी। जिंदान का एक प्रेमी था जो लाल सिंह था, ने काफ़ी सहायता की। लेकिन पंजाब की सिख सेना रानी जिंदल से खुश नहीं थी, इसलिए सेना ने खालसा पंचायत बुलाई और अपने फैसले सेना खुद करने लगी। अक्सर प्रशासन और पंजाब सेना में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अदालत के हस्तक्षेप ने भी पंजाब रियासत को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी अभी अफगानिस्तान से लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो यद्यपि उसे युद्ध से कोई खास चीज हाथ नहीं लगी थी, लेकिन उसे यह विश्वास था कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए पंजाब एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच एक बफर स्टेट के रूप में डेवलप किया जाए। तो अगर आप देखें तो मैप में कुछ ये इस तरह से है, तो इधर ये रीजन जो है ना, ये पंजाब वाला रीजन है पूरा, और इधर पर अफगानिस्तान है। तो अगर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है तो पंजाब पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर पंजाब पे कंट्रोल होगा तो ये बफर स्टेट की तरह काम करेगा और यहीं से रूस के लिए भी एक रास्ता तैयार हो जाएगा।
तो इसलिए वो चाह रहे थे कि पंजाब पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच एक संरक्षित राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। अगर अफ़गानिस्तान पे कब्जा करना है तो पंजाब को भी अपने हाथ में लेना होगा। अंग्रेज़ों ने पंजाब की कमज़ोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया और उनके विरुद्ध युद्ध के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। मेजर ब्रॉडफुट की लुधियाना में कंपनी के एजेंट के तौर पर नियुक्ति की गई। यह अंग्रेज़ों की वैसे एक सोची समझी रणनीति थी। वह मुख्य सेनापति तेजा सिंह और लाल सिंह को अपनी तरफ मिला लेने में सफल रहा। कौन सफल रहा? जो कंपनी का एजेंट था मेजर ब्रैडफुर्ड। दोनों बागियों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को सेना को सतलज नदी के पार करवा देंगे। यद्यपि सिख सेना भी राजधानी की सीमा के भीतर ही थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए पंजाब के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा के लिए यह बहाना काफ़ी था। वास्तव में यह कोई कारण नहीं था बल्कि एक बहाना ही था। यहाँ तक कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को भी यह विश्वास नहीं था कि इंग्लैंड में इसे उचित मान लिया जाएगा। लेकिन चूंकि ब्रिटिश भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे, इसलिए उनको इसकी अनुमति दे दी गई। अब अगर देखें तो दिसंबर 1845 ईस्वी को डेट भी है इसकी, शायद ये 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर 1845 को मुडिकी के स्थान पर एक पहला युद्ध होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मुंडकी को याद रखना है, मेजर ब्रॉडफुट को याद रखना है। ठीक है, कंपनी के एजेंट के रूप में 1843 में ये वहाँ पर नियुक्त हुए, याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ सिख फोर्सेस ने सतलज रिवर को क्रॉस किया दिसंबर 1845 में, टुक ऑफेंसिव पोजीशंस अगेंस्ट द इंग्लिश फोर्सेस। तो आपको रखना है मुंडकी को याद। मुंडकी नामक जगह पर पहली बार सिख फोर्सेस का अंग्रेज फोर्सेस से सामना हुआ और इसमें सिखों की हार हुई, लेकिन अंग्रेजी सेना को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर फिरोज शाह में 21 दिसंबर को, फिरोज शाह आपको याद रखना है, फिरोज शाह सिक्वेंस याद रखना बस। फिरोज शाह में सिखों के साथ दूसरा युद्ध हुआ। सिखों ने इसका डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे गोह। गोह ने उस रात को नाइट ऑफ हॉरर कहा, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। सिखों का पलड़ा पूरी तरह से भारी था। अंग्रेजी सैनिकों को 36 घंटों तक खाना नहीं मिला। सारे तोप के गोले भी समाप्त हो चुके थे। ब्रिटिश सेना बुरी तरह उलझ चुकी थी। यदि तेजा सिंह और लाल सिंह बगावत करके उस निर्णायक घड़ी में सिखों का साथ नहीं छोड़ते तो नतीजा कुछ और ही होता। अंग्रेज घबराए हुए थे, गवर्नर जनरल बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सिख सरदारों से अपील की कि वे युद्ध से पीछे हट जाएं। इसके बदले में उन्हें इनाम और पुरस्कार दिया जाएगा। जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर का वादा किया गया और लाल सिंह को बहुत सारी रिश्वत दी गई, लेकिन रणछोड़ सिंह को पराजित होना पड़ा। 10 फरवरी 1840 को सतलज नदी के पास सवराम में एक निर्णायक युद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है सवराम, सवराम को याद रखना है, सवराम में एक निर्णायक युद्ध हुआ। लाल सिंह ने सवराम में सिखों की को एक विशेष स्थिति में खड़ा किया, जबकि तेजा से ही युद्ध क्षेत्र से ही गायब हो गया। इस बगावत और धोखेबाजी के बाद भी सिखों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाई कि वे युद्ध क्षेत्र से जीवित वापस नहीं लौटेंगे। इस युद्ध में सतलज नदी तकरीबन लाल हो गई। लगभग 10,000 सिख और 3,000 अंग्रेज मारे गए। अंग्रेजों ने 13 फरवरी को सतलज को पार कर लिया और 20 फरवरी को लाहौर पर कब्जा कर लिया। 9 मार्च 1846 में पंजाब पर लाहौर की संधि थोप दी गई। तो आपको याद रखना है लाहौर की ट्रीटी, लाहौर ट्रीटी 1846 में। तो मुंडकी, फिरोसा, सबराव और फिर लाहौर की टिटी, तो आपको याद रखना है लाहौर। इसके बाद आपको याद रखना है लाहौर। तो चार हो गए क्रम, पहला ये, दूसरा सबराव, तीसरा और चौथा लाहौर। अगर लाहौर की टिटी को देखें तो जो 1846 में हुई
जो महाराजा दिलीप सिंह हु वॉज द रूलर ऑफ पंजाब वॉज टू रिमेन इट्स रूलर एंड हिज मदर जिंदान कौर एज रीजेंट बनी रहेंगी, वो उनकी संरक्षिका बनी रहेंगी और दिलीप सिंह महाराजा बने रहेंगे और मदर जिंदान क्या रहेंगी, उनकी संरक्षा बनेंगे। और सिख क्या करेंगे, जालंधर दोआब ब्रिटिश को दे देंगे। एक तो ये हुआ, पंजाब को 1.5 करोड़ रुपए हर जाने के रूप में देने होंगे। क्या देना होगा, 1.5 करोड़ का हरजाना देना होगा। ठीक है, एक तो ये देना होगा, हरजाना देना होगा। उसे इस बात पर भी सहमत होना पड़ा कि 1 करोड़ के बदले कंपनी को ब्यास और सिंध के बीच का हिस्सा दे दो, जो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर है ना, ब्यास रिवर और इंडस रिवर, इसके बीच का एरिया दे दो, ये इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, करीबन 1 करोड़ के लगभग है, तो ये वाला रीजन दे दो उनको। ये उन्होंने कहा, जिसमें कश्मीर और हजारा भी शामिल हैं, शेष 50 लाख रुपए आप कैश दे दो और 50 लाख को क्या करो, कैश के फॉर्म में दे दो। दो चीज़ें तो ये हो गई, पंजाब के महाराजा को अपना किला, जमीन, पहाड़ियाँ, जो भी ब्यास और सतलज के बीच स्थित था, उससे अपना दावा छोड़ना होगा। महाराजा के अपने सैनिकों की संख्या को घटाने पर भी सहमत होना पड़ा कि आप क्या करेंगे, अपने सैनिकों की संख्या को भी कम कर देंगे, तो जो सेना है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, सेना कम कर दो। एक तो ये हो गया, पंजाब को केवल 12,000 घुड़सवार सैनिक और 20,000 पैदल सैनिक, तो जो कम हैं वो घुड़सवार हैं, तो 12,000 घुड़सवार और 20,000 सिर्फ पैदल सैनिकों को रखने की अनुमति दी गई। सभी 225 तोपें अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेंगी। इनके पास क्या थी, 225 तोपें थीं, वो किनको देना पड़ेगा आपको, सॉरी 250 तोपें थीं, वो आपको अंग्रेजों को देना पड़ेगा। और ब्रिटिश सेना को लाहौर से गुजरने की आज़ादी भी देनी होगी, ब्रिटिश सेना लाहौर को पार करना चाहे तो निकलने देंगे, आप उसे टोकेंगे नहीं। अंग्रेजों की जानकारी के बिना किसी भी यूरोपीय या अमेरिकी को पंजाब में नौकरी नहीं दी जाएगी। दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया जाएगा, उनकी माँ संरक्षिका बनी रहेंगी और लाल सिंह को मंत्री बनाया जाएगा। कंपनी ने यह भी वादा किया कि पंजाब के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि कंपनी के जो पंजाब के रेजिडेंस थे, सर हेनरी लॉरेंस ने इस संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। 11 मार्च को एक पूरक संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यह शर्त भी जोड़ दी गई कि अंग्रेजी सेना दिसंबर तक लाहौर में रहेगी, ताकि महाराज और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लाहौर दरबार में फिर भी साजिश जारी रहती है, यही सेकंड एंग्लो सिख वार के कारण भी बनते हैं, कि लाल सिंह गुलाब सिंह को कश्मीर रियासत दिए जाने से प्रसन्न नहीं था, इसलिए उसने गुलाब सिंह के विरोध में इमायुद्दीन को प्रोत्साहित किया कि वह कौन, इमायुद्दीन, याद रखना आपको, किसको प्रोत्साहित किया है, इमायुद्दीन को, इमायुद्दीन को प्रोत्साहित किया कि इस पर अंग्रेजों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और 16 दिसंबर 1846 को लाल सिंह को निकाल दिया गया। लाहौर का प्रशासन संभालने के लिए एक रेजिडेंसी बनाई गई, इसमें 8 नेताओं को नियुक्त किया गया। रेजिडेंसी ब्रिटिश रेजिडेंट से सलाह करेगी, शासक की निगरानी करेंगे, तेजा सिंह, शेर सिंह, नूरुद्दीन और दीनानाथ आदि उस रेजिडेंस के प्रमुख नेता बनाए गए। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सेकंड एंग्लो सिख वार शुरू होता है। मुल्तान का जो गवर्नर था वो दीवान मूलराज था। मुल्तान को कौन गवर्न कर रहा था, दीवान मूलराज कर रहा था। ही रिजेंटेड द लाहौर कोर्ट्स डिमांड फॉर इंक्रीज टैक्स असेसमेंट एंड रेवेन्यूज। कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर बट कंट्रोल बाय द ब्रिटिश रेजिडेंस सिंस द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो ये था, ये क्या कर रहा था, ही रिसेंटेड डिमांड फॉर इंक्रीज टैक्स असेसमेंट एंड रेवेन्यूज,
ठीक है, तो उसने इसकी डिमांड की कि भैया ये नहीं होना चाहिए, ये आपने बड़ा टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा कम करिए। इसी समय ब्रिटिश रेजिडेंट थे सर फेडरिक क्यूरी, ही अंडरमाइंड मूल राज एंड इम्पोज्ड एनोदर गवर्नर सरदार काहान सिंह एलोंग विथ ए ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू। और जो फेडरिक थे उस समय जो ब्रिटिश एजेंट थे, उन्होंने मूल राज की किसी भी बात को नहीं सुना। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब का भाग्य तो जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ही सुनिश्चित हो चुका था, यद्यपि लाहौर की संधि और रेजिडेंसी की स्थापना के साथ ही पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। अब पंजाब को साम्राज्य में मिला लेने की केवल औपचारिकता बची थी, लेकिन मुल्तान के गवर्नर था दीवान मूल राज। आपको याद रखना है, दीवान मूल राज की बगावत ने अंग्रेजों को युद्ध शुरू करने का एक अच्छा मौका दे दिया। अंग्रेजों ने 30 लाख रुपयों की मांग की, जो बाद में घटाकर 25 लाख कर दी गई, और रावी के उत्तर का संपूर्ण भूभाग अपने कब्जे में ले लिया। मूल राज उन शर्तों को पूरा नहीं कर सका और उसने 1847 में अपना त्यागपत्र ब्रिटिश को दे दिया। वहां के रेजिडेंस सर जॉन लॉरेंस ने उसे दूसरी व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया कि भैया अपने पद पर बने रहो। नए रेजिडेंस फ्रेडरिक क्यूरी ने खान सिंह मान को मुल्तान का नया गवर्नर नियुक्त किया, जिसको किया उन्होंने खान सिंह मान को नया गवर्नर मुक्त किया, और 30,000 रुपये वार्षिक वेतन तय किया गया, और वह 500 सैनिकों और 2 ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मुल्तान भेजा गया। मूलराज ने मुल्तान के किले को खान सिंह मान के हवाले कर दिया, लेकिन दोनों ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। संभवतः असंतुष्ट सिख सिपाहियों ने उन्हें मार डाला होगा, ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने मूलराज को मजबूर किया कि वे उनका नेतृत्व करें। कौन नेतृत्व करे? असंतुष्ट सिख सिपाहियों का नेतृत्व मूलराज करे। अंग्रेज आसानी से मुल्तान के बागियों को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? वो तो आप जानते ही हो, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर बहाना नहीं मिलेगा। उनकी रणनीति की बगावत की चिंगारी पंजाब के कुछ और हिस्सों में भी फैले। वैसा ही हुआ जैसा अंग्रेजों ने सोचा था, कि बगावत की आग पेशावर और उत्तर पश्चिम पंजाब तक फैल गई। यहाँ तक कि अफगानियों ने भी सिखों की सहायता का वादा कर लिया। अब लाहौर दरबार में दिलीप सिंह और रानी जिंदल पर अंग्रेजों के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगा सकते थे। कौन लगा सकते थे आरोप? तो आरोप अंग्रेज लगाएंगे कि वो दिलीप सिंह और रानी जिंदल पर अंग्रेजों के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगा सकते थे। अब उन्हें पंजाब के विरुद्ध युद्ध करने का एक ठोस बहाना मिल गया। लेकिन 1848 में लॉर्ड गोहू ने, किसने? लॉर्ड गोहू ने सेनाओं के साथ रावी नदी को पार किया और 22 दिसंबर को रायनगर में सिख सेना से मुकाबला किया। तो आपको याद रखना है, पहला यहाँ पर रखना है रायनगर। रावी को पार करके रायनगर पहुँचे और सिख सेना से मुकाबला किया। एक निर्णायक युद्ध था और जनवरी के शुरू में ही मुल्तान पर कब्जा हो गया, और 13 जनवरी को चिल्लीवाला में युद्ध हुआ। तो आपको दूसरा याद रखना है चिल्ली वाला। ऐसे क्वेश्चंस UPPCS में ज़्यादा पूछे जाते हैं, IAS के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि युद्ध का कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन ब्रिटिश सेना को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक दुख का दिन था। ब्रिटिश सेना के करीबन 2,500 सैनिक और लगभग 90 सैनिक अधिकारी और 4 तोपों का नुकसान हुआ। गोह के स्थान पर अब सर चार्ल्स नेपियर को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इससे पहले कि नेपियर चार्ज संभालता, ब्रिटिश सेना ने पंजाब के एक प्रांत गुजरात में चेनाव नदी पर के तट पर सिख सेना को पराजित कर दिया। तो फिर चेनाव नदी के किनारे भी एक युद्ध हुआ था, तो यहाँ के तट पर सिख सेना पराजित हो गई। इस तरह दूसरा आंग्ल सिख युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें सिखों को भारी हार उठानी पड़ी। तो रामनगर को आपको याद रखना है इसमें सेकंड में, चिलियावाला को याद रखना है, ठीक है? इसमें चिलियावाला को सिखों ने जीता था। उसके बाद जो फाइनल बैटल हुई थी गुजरात के नज़दीक पर हुई थी, चेनाब नदी के तट पर। तो फाइनल बैटल कहाँ पर हुई? नियर चेनाब पे इन 1849। दिस वाज बोन बाय द ब्रिटिश फोर्सेस।
ठीक है, यहाँ पर अफगान फोर्सेस की तरफ से दोस्त मोहम्मद खान ने सिखों को का साथ दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर। रिजल्ट क्या हुआ था? अब चूंकि सिखों की जब हार हो गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि 12 मार्च को, डेट याद रखनी है आपको, 12 मार्च, ठीक है, 1849, ये आपको डेट याद रखनी है, को सिखों ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया। तो कहाँ पर किया उन्होंने आत्मसमर्पण? रावल पिंडी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इस पर कई लोगों ने ऐसा तक कहा कि आज के दिन, मतलब 12 मार्च 1849 के दिन रणजीत सिंह मर गया है, मतलब उसका साम्राज्य मर गया। और 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया, सॉरी, पंजाब के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया लाहौर की संधि के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा अफगानिस्तान तक जा लगी। लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को अपने राज्य में मिलाने में किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई, क्योंकि उसे छोटे छोटे रजवाड़ों में कोई रुचि नहीं थी। दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दी गई, जो पेंशन दी गई थी वो सालाना थी 50,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी गई, और कोहनूर हीरा भी ब्रिटिश ने ले लिया और उसे महारानी को भेज दिया, और ब्रिटिश सॉरी और दिलीप सिंह को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। पंजाब की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। पंजाब की शासन व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया, एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और उसके अलावा जॉन और चार्ल्स मानसिल अन्य सदस्य थे। हेनरी ने राजनीति संभाली, जबकि जॉन ने भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू को संभाला, और मानसिल ने जुडिशरी सिस्टम या न्यायपालिका को संभाला। इस तरह से एक और बड़े साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने आप में या अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने लगभग पूरा भारत ही जीत लिया। लेकिन हम एक लेक्चर में भी देखेंगे कि किस प्रकार से सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के माध्यम से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये दो जो जो इनकी थ्योरीज थी, इसकी इस वजह से भी इन्होंने इन दो की वजह से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में राज्यों को अपने साथ मिलाया। तो सब्सिडरी अलायंस किस प्रकार से, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी का, ये किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य के